सुनो कहानियाँ चूचू और दोस्तों के साथ। रंगों से भरा ये त्योहार, आई देखो होली, आओ यार, खेलो रंगों से और बांटो प्यार, हैप्पी होली सबको यार। बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर, वाहू! हमने बेस्ट फ्रेंड्स का कितना शानदार पोस्टर बनाया है चीकू, बहुत प्यारा है। मुझे भी पसंद आया चूचू, मेरी बेस्ट फ्रेंड। हाँ, हम कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं। इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। ओह, जरा एक मिनट, मैं इसमें कुछ और अच्छा कर सकती हूँ। अरे नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया चीकू? तुमने मेरी तस्वीर और इस पोस्टर को खराब कर दिया। माफ कर दो चूचू, मुझे नहीं पता था तुम नाराज हो जाओगी। मुझे ऐसा करने से पहले पूछ लेना चाहिए था, पर मैं तो बस थोड़ी मस्ती कर रही थी। चूचू, माफ कर दो। मॉम मुझे यहाँ से लेने के लिए आ गई हैं, जाना होगा। चूचू, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। अब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। गुड नाइट चूचू। कितनी प्यारी सुबह है। अब मैं किचन में जाकर देखती हूँ कि मम्मी और डैडी और चाचा और टाको क्या कर रहे हैं। चीकू अब मेरी फ्रेंड नहीं है। गुड मॉर्निंग चूचू। गुड मॉर्निंग मम्मी और डैडी और चाचा और टाकू। ये सब क्या है और ये रंग बिरंगे क्या है? पता है आज होली का त्योहार है चूचू। इस त्योहार को हम इन रंग बिरंगे गुलाल के साथ मनाते हैं। होली? हाँ, ये त्योहार है रंगों का, प्यार बांटने का और दोस्ती का। ये मौका होता है लोगों का अपने परिवार और अपने दोस्तों से मिलने जुलने का, एक दूसरे को रंग लगाने का, खाने पीने का और मौज मस्ती का। इसलिए डैडी और मैंने फैसला किया है कि होली का ये त्योहार हम सब मिलकर मनाएंगे। इसमें तो बहुत मजा आएगा। पर मम्मी, ये होली हम क्यों मनाते हैं? देखो, होली मनाने का एक कारण ये है कि हम वसंत ऋतु का स्वागत करते हैं। लंबी सर्दी के मौसम के बाद जब गर्मी का मौसम आता है तो हर तरफ रंग बिरंगे फूलों का खिलना शुरू हो जाता है। होली का त्योहार एक तरीका है धरती पर वसंत के खूबसूरत मौसम का स्वागत करने का। ये कितना अच्छा है। पर मम्मी, होली के त्योहार की शुरुआत कैसे हुई? होली के त्योहार की शुरुआत कैसे हुई जानते हो? इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। ये कहानी है एक नन्हे भगवान की जिनका नाम था कृष्ण, और उनकी एक बेस्ट फ्रेंड जिस लड़की का नाम था राधा। कृष्ण और राधा, क्या हमें आप वो कहानी सुनाएंगी मॉमी प्लीज? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। तो सुनो, ये कहानी है राधा और कृष्ण की, और कैसे उन्होंने पहली बार होली का त्योहार मनाया था एक खूबसूरत से शहर वृंदावन में। एक समय की बात है, एक बहुत ही नटखट नन्ही से भगवान थे जिनका नाम था कृष्ण। उनके बहुत सारे दोस्त थे। अक्सर ही वो और उनके दोस्त गांव वालों को अपनी शरारतों से सताते रहते थे, पर कृष्ण से सभी प्यार करते थे। कृष्ण की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था राधा। कृष्ण बड़े ही शरारती और नटखट थे जबकि राधा बहुत समझदार थी। कृष्ण के शरीर का रंग सांवला था जबकि राधा का रंग गोरा था। उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था कि वो एक दूसरे से कितने अलग हैं। नटखट कृष्ण राधा के साथ भी बहुत शरारत करते थे और कभी कभी तो उनमें बहस हो जाती थी और वो एक दूसरे से नाराज हो जाते थे, पर इसका ये मतलब नहीं कि उनकी दोस्ती टूट जाती थी। सभी अच्छे दोस्तों की तरह वो आपस में सुलह कर लेते थे।
जब वृंदावन में वसंत का मौसम आया तो कृष्ण ने राधा के साथ शरारत करने की सोची। उन्होंने एक मुट्ठी गुलाल लिया और राधा के पूरे चेहरे पर मल दिया और कहा, देखो राधा, अब तुम्हारा रंग भी गोरा नहीं रहा। पर इस बार राधा भी इसका बदला लेने को तैयार थी। उसने अपनी सहेलियों को इशारा किया। राधा की सहेलियों ने पिचकारी उठाई, उसमें रंग भरा और कृष्ण पर डालने लगी। ये खेल लोगों को इतना मजेदार लगा कि वृंदावन के सारे लोग इस खेल में शामिल हो गए और एक दूसरे को रंग लगाने लगे और इस तरह शुरुआत हुई होली के त्योहार की। तो तुमने सुना मेरे प्यारे बच्चों, होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम अपना मन मुटाव भुलाकर आपस में दोस्ती और प्यार बांटते हैं। यिप्पी, होली मनाने के लिए मैं और नहीं रुक सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है चाचा। चूचू, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक तो है ना? नहीं मॉमी, असल में कल चीकू पर मैं बहुत नाराज हो गई थी। ओह चूचू। पर मॉमी, अभी अभी आपने जो राधा और कृष्ण की कहानी सुनाई ना, उससे मुझे समझ में आ गया कि कभी कभी दोस्त एक दूसरे से नाराज हो सकते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उनकी दोस्ती टूट गई। बिल्कुल ठीक मेरी बच्ची। मॉमी, मुझे चीकू से हुए मनमुटाव को ठीक करना है। क्या मैं चीकू और उसके भाइयों को होली खेलने के लिए अपने घर बुला सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, जरूर बुलाओ। चीकू के साथ सारे गिले शिकवे दूर करने का ये एक बहुत अच्छा मौका है। जरा रुको, मैं चीकू की मम्मी को कॉल करती हूँ। तो ठीक है, चीकू, चीका और कूचा जल्दी ही यहाँ पहुँच जाएंगे। यिप्पी, ये होली तो बहुत मजेदार होने वाली है। चीकू, कल तुम पर गुस्सा करने के लिए मुझे माफ कर दो और एक बात जान लो कि तुम अभी भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया चूचू, और मैं भी तुम्हें ये बता दूं कि अभी भी तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। Best friends forever!